हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपको हमारे इस नए वीडियो में। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों जेट पंप का रिव्यू मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जेट पंप लगा रखा हूं। जो वीडियो आपने देखा ही होगा और सभी लोग दोस्तों यही बोल रहे थे कि थोड़ा सा रिव्यू दे दो कि अभी तक आपका क्या क्या खराबी हुआ जेट पंप में। ये सारी बातें दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने लूँ। अगर आप भी जेट पंप लगाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। कितना कॉस्ट पड़ा दोस्तों वो भी सारी चीज़ें मैं स्क्रीन शॉट के साथ में आपके साथ शेयर करने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों मैंने कितने फीट में मैंने लगाया। तो दोस्तों लगभग मेरा जो बोरिंग है दोस्तों मेरा डी बोरिंग आपको बता देता हूं, और दोस्तों लगभग 500 फीट तक मैंने बोरिंग कराया, लेकिन जितना पानी देना चाहिए था उतना ये पानी नहीं दिया, ठीक है। जिसके कारण दोस्तों हम सोचे कि शायद पानी सूख जाएगा, इसलिए मैंने ये जेट पंप मैंने लगाया। लेकिन दोस्तों कहाँ तक लगाया वो आपको बताऊँ, 120 फीट तक मैंने इस जेट पंप को मैंने लगाया हूँ अपने चपाकल में। और करप्टन का है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी दिखाया, तो अभी भी जाकर मैं वो दिखाने वाला हूँ फिलहाल। और इसके समस्या की बात करें दोस्तों, खराबी दोस्तों अभी तक वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों बीच में इसका जो पानी है वो कम हो गया था, ठीक है। अब वोल्टेज के कारण कम हुआ था दोस्तों, जब मैंने कॉन्टैक्ट करा दोस्तों वारंटी कार्ड पर जो फ्री नंबर होते हैं उस पर मैंने कॉन्टैक्ट करा, तो दोस्तों 24 घंटे के अंदर में इसका जो सर्विस मैन है जो इलेक्ट्रीशियन है वो आकर दोस्तों जब उन्होंने वोल्टेज चेक करा तो उन्होंने बताया कि भाई वोल्टेज आपका बहुत कम है, आप पहले स्टेबलाइजर लगाओ या तो फिर आप जो है लाइन का फेज चेंज करा लो, ठीक है। तो मैंने दोस्तों उसके लिए एक स्टेबलाइजर मैंने माइक्रोटेक का 1.5 टन का मैंने ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर मैंने खरीदा, उसके बाद भी पानी नहीं आ रहा था दोस्तों उतना, ठीक है, बहुत कम दे रहा था पानी। फिर से दोस्तों मैंने इसके यानी करप्टन का जो हेल्पलाइन नंबर था उस पर मैंने कॉन्टैक्ट करा और कंप्लेन करा, तो फिर से दोस्तों 24 आवर्स के अंदर एक और मिस्त्री आ गया, ठीक है। जब उन्होंने देखा दोस्तों कि वोल्टेज भी ठीक है फिर भी पानी कम दे रहा है, तब दोस्तों उसका जो प्रेशर वाला जो एक नट होता है वो मैं आगे जाकर मैं वो दिखाने वाला हूँ, कहाँ से उन्होंने कहाँ से उन्होंने ठीक करा था, वो दोस्तों मिला दिया, उसके बाद पानी अच्छा खासा देने लगा, ठीक है। तो यही दो समस्या मेरे साथ हुआ था। लेकिन दोस्तों जिस दिन मैं सेट कर रहा था इस मोटर को, फिलहाल अगर आप सेट करते हैं तो हो सकता है आपके साथ भी ये समस्या होगा, तो डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मेरा 120 फीट तक नीचे गया है डी बोरिंग में। तो दोस्तों हुआ क्या पता है कि जब मैंने पाइप फिट कर रहा था ना, दो पाइप अंदर जाता है यानी चपाकल में दोस्तों, पूरा दोस्तों धागा वगैरह लगा करके और मिट्टी वगैरह लगा करके मैंने कसा था, पूरा फुल टाइट मैंने कसा था पूरा 120 फीट तक। उसके बाद होता क्या था ना, जब हम मोटर में पानी डालते हैं मैंने पाइप भरने के लिए, तो दोस्तों धीरे धीरे से पाइप का पानी जो है लग रहा है कि नीचे से कहीं लीकेज है, सो धीरे धीरे गिर रहा था पानी, ठीक है। तो पानी बार बार जो भरना पड़ रहा था, ठीक है। जब मोटर स्टार्ट करते तब दोस्तों 2-4 लोटा 5 लोटा उसमें पानी देना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों फिर से उसको हम लोग खोल करके दोबारा जो मैंने फिटिंग करा, फिर भी दोस्तों वही समस्या है। तो बोला मिस्त्री कि 2-4 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा डीप है इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों लगभग 3 दिन तक मैंने 4-5 लोटा रेगुलर मैंने दिया, जब मैं मोटर स्टार्ट करने जा रहा था तो रेगुलर मैंने उसको दिया। इसके बीच में दोस्तों एक और समस्या आ रहा था, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ दोस्तों क्या हो रहा था। पता है कि हर 10 मिनट में दोस्तों मोटर स्टार्ट हो जा रहा था और 5 मिनट ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा था, नहीं ऑटो कट हो जा रहा था, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था, ठीक है। तो मैंने दोस्तों इलेक्ट्रिशियन के पास मैंने फिर फ़ोन करा जहाँ से मैंने मोटर खरीदा था दोस्तों, वो मिस्त्री को लेकर आया, और जब लेकर आया दोस्तों एक बार भी मोटर बंद नहीं हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग में शायद होता हुआ कॉइल वगैरह कुछ प्रॉब्लम होता हुआ, ठीक है। तो उसके बाद स्टार्ट हुआ तो फिर बंद नहीं हुआ, लेकिन 2-4 बार 5 बार बहुत बंद हुआ, जिसके कारण मैं भी पूरा हालत ख़राब हो गई, भाई ख़राब मोटर शायद वो दे दिया है, ठीक है। बार बार बंद हो रहा है, बार बार फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जा रहा है, स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम था, उसके बाद अभी तक वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। रहा दोस्तों पानी की बात, जब 2-4 दिन 4-5 लोटा पानी डालते थे तब स्टार्ट करते थे मोटर, तब जो है पानी आता था, अगर पानी नहीं डालते थे तो पानी नहीं पकड़ता था, ठीक है। तो दोस्तों ये समस्या लगभग 4-5 दिन तक रहा, उसके बाद वो धीरे धीरे से जो है पहला दिन 5 लोटा तो 4 लोटा 3 लोटा 2 लोटा इस तरह करके दोस्तों अभी जो है एक भी लोटा हम पानी उसमें नहीं डाल रहे हैं, फिर भी दोस्तों पानी जब भी हम चाहेंगे तो स्विच ऑन करते हैं और पानी आ जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में दोस्तों ये मेरे साथ समस्या था, अगर आपके साथ भी होता है इस तरह का तो टेंशन मत लेना, कुछ दिन के बाद 2-3-4 दिन के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक जहाँ से लीकेज होते हैं ना अंदर में वो ऑटोमेटिक दोस्तों पैक हो जाते हैं, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो दोस्तों यही कुछ समस्या था जो मैंने आपको बताया। 2 बार मिस्त्री आया दोस्तों, पहला बार मिस्त्री आया उस टाइम दोस्तों वो सिर्फ वोल्टेज चेक किया, ठीक है, वोल्टेज चेक किया, उसके बाद बोला वोल्टेज कम है, पहले वोल्टेज अब सुधार, उसके बाद हम फिर से आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों उसमें से एक भी रुपया मेरा नहीं लगा, ठीक है, जो उधर कंपनी तरफ से 1 साल के जो गारंटी होते हैं जब आते हैं तो दोस्तों एक भी रुपया आपको देना नहीं पड़ता, वो आएंगे और थोड़ा सा वही सब जब मोटर वोटर खोलेगा नहीं वो सिर्फ, ठीक है। अगर आपका मोटर में समस्या है तो दोस्तों वो मोटर चेंज भी करवा देते हैं, ठीक है, वो बोलेंगे कि अगर 1 घंटा में आपका टंकी नहीं भरता है
वोल्टेज भी सही है, अगर नहीं भरता है तो आपका मोटर चेंज भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा भी वो लोग बोलते हैं और चेंज भी शायद हो जाता होगा। मेरे सामने तो ऐसा नहीं हुआ लेकिन ऐसा वहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, अगर बाई चांस एक साल के अंदर मोटर में कुछ भी खराबी होता है तो आपका मोटर एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसा लोग मिस्त्री भी बोल रहे थे, कुछ होगा तो दिक्कत नहीं, हम मोटर चेंज कर देंगे आपका। तो दोस्तों मैं बहुत खुश हुआ, दोबारा मैंने कॉन्टैक्ट करा कि पानी देखो भाई पानी नहीं दे रहा है, फिर भी मतलब वोल्टेज बढ़ाने के बाद भी पानी नहीं दे रहा है, तो भाई रिटर्न आ करके उन्होंने जो प्रेशर था वो खोल दिया और पानी अच्छा खासा देने लगा, मतलब ज़्यादा समय नहीं लेता है, जितना उसका रिक्वायरमेंट है एक घंटा में 1000 लीटर भरना जेट पम्प का, वो दोस्तों वो भर दे रहा है। यही दोस्तों समरसेबल लगाते हैं तो 10-15 मिनट 20 मिनट में आपका 1000 लीटर। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पर मैंने इसको जेट पम्प को मैंने फिट करा है, चलिए दिखाते हैं आप। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हो ये है दोस्तों चापाकल जहाँ मैंने फिट करा है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मैंने फिट करा है, आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको छेदा करके दोनों पाइप को मैंने अंदर भेजा है और यहाँ पर दोस्तों नहाने होने का पानी है। चलिए मैं दोस्तों आपको मोटर में दिखाता हूँ अंदर में, इधर से ही दोस्तों मैंने एंट्री करा है और यहाँ पर तो एक गुहाल है जहाँ पर मैं मोटर को फिट कराऊँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोस्तों फाइनली देख सकते हो यहाँ से दोस्तों एंट्री हुआ है। फिलहाल देख सकते हो वहाँ पर जो मैंने आपको छेदा दिखाया था ना, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दो पाइप इधर से गया है, एक पाइप दोस्तों एयर वाला है और एक पाइप जो है पानी वाला है, ठीक है, इसमें दो पाइप जाता है दोस्तों। अगर जेट पंप आप लगाते हैं तो, अगर समरसेबल लगाते हैं तो दोस्तों एक ही पाइप में आपका काम चल जाएगा, ठीक है, इसी में दोस्तों इसमें खर्चा बढ़ जाता है जेट पंप पे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये है दोस्तों मोटर और दोस्तों कौन सी कंपनी का वो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है दोस्तों क्रैप्टन का, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोस्तों देख सकते हो पूरा दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से दोस्तों क्रैप्टन का है, ग्रेबियस कंज्यूमर इलेक्ट्रिशियन लिमिटेड देख सकते हैं दोस्तों। और ये आपको मैं दिखा दूँ दोस्तों 1 kV यानी 1 HP का दोस्तों ये जेट पंप है जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों जो मैंने बताया था दोस्तों आपको, जो इलेक्ट्रिशियन को मैंने कंप्लेन करा था वो दोस्तों सिर्फ ये वाला जो प्रेशर वाला जो होता है ना, ये बोला दोस्तों सिर्फ उन्होंने मिलाया था, उसके बाद पानी का प्रेशर मेरा अच्छा खासा देने लगा दोस्तों। वोल्टेज मतलब जब मैंने स्टेपेजर लगाया था उसके बाद का मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेपेजर लगाने के बाद जब मैंने इलेक्ट्रिशियन को कांटेक्ट करा तो दोस्तों ये उन्होंने मिला दिया पानी, ठीक, उसके बाद पानी अच्छा खासा हमको देने लगा, ठीक है, एक घंटे में दोस्तों मेरा जो है पानी टंकी वो भर जाता है 1000 लीटर। तो फिलहाल दोस्तों देख सकते हो इस तरीके कुछ फिटिंग है आप देख सकते हो, और ये है दोस्तों कुछ जेट पम्प क्रैप्टन का, और यहाँ से दोस्तों मेरा जो पाइप गया है वो टंकी के लिए गया हुआ है फिलहाल देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं पानी भरा करता था पहले, जब स्टार्टिंग में दोस्तों 4-5 दिन मैंने पानी भरा था 4-5 लोटा, उसके बाद अभी जो है एक बार भी भरने का कोई भी सिस्टम वैसा नहीं है अभी दोस्तों, एक भी लोटा हम पानी इसमें नहीं देते हैं, और जब मन करता है दोस्तों तब हम स्विच टिपते हैं और मेरा पानी स्टार्ट हो जाता है देने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल देख सकते कुछ ऐसा ही आपको मोटर दिख रहा होगा, और दोस्तों देख सकते हो वहाँ पर दोस्तों मैंने टंकी लगा रखा हूँ फिलहाल देख सकते हो ऊपर में, और यहाँ से दोस्तों कुछ कनेक्शन गया हुआ है फिलहाल देख सकते हो, यहाँ पर अंडरग्राउंड मैंने करा है और यहाँ पर दोस्तों एक पाइप है ठंडा पानी के लिए। तो फाइनली दोस्तों लास्ट में आपको बता ही देते कि आखिर इतना जो मैंने लगाया दोस्तों जेट पंप वगैरह पाइप वगैरह टंकी वगैरह इतना पूरा टोटल दोस्तों कितना मेरा खर्चा हुआ है, वो दोस्तों पूरा जो है रिसीविंग के साथ में आपको बताता हूँ। लगभग दोस्तों आप देख रहे होंगे पीछे में 37,000 कुछ पैसा लगा था दोस्तों, मतलब पूरा टंकी वगैरह लगा करके, ठीक है, और फिर भी दोस्तों कुछ 1000-2000 और भी लगा था ये मिस्त्री का खर्चा छोड़ करके, मिस्त्री दोस्तों लगा था लगभग 3000 रुपये मिस्त्री भी लिया था, यानी 37,000 यानी 40,000 रुपया दोस्तों ये मेरा लगा था जेट पंप में ये टंकी लगा करके, 120 फीट दोस्तों नीचे पाइप लगा करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यानी पाइप का ही दोस्तों ज़्यादा लगता है, मोटर का तो दोस्तों 11,000-12,000 में तो मोटर आ ही जाएगा, लेकिन जो पाइप जाता है ना भाई नीचे में दो पाइप जाता है, इसमें एक पाइप नहीं जाता और समरसेबल में एक ही पाइप जाता है वो भी नॉर्मल वाला, इसमें दोस्तों ओरिजिनल सुप्रीम का पाइप जाता है। अगर आप लगाते हैं दोस्तों सुप्रीम का पाइप लगाना और जितना भी फिटिंग उसका होता है दोस्तों नट बोल्ट सब सुप्रीम का लगाना, तब दोस्तों लीकेज नहीं होगा, ठीक है। अगर दूसरा कंपनी का लगाते हैं दोस्तों सुप्रीम का और उसका जो फिटिंग होता है वो किसी और कंपनी का लेते हैं तो दोस्तों उसमें काफ़ी दिक्कत हो जाता है फिटिंग करने में, ठीक है, तो वहाँ पर लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों कोशिश करना कि जिस कंपनी का आप पाइप वगैरह लगा रहे हैं सुप्रीम का अगर लगा रहे हैं तो सुप्रीम का ही दोस्तों पूरा फिटिंग लेना, आपका फिटिंग अच्छा होगा, ठीक है, हवा वगैरह एयर वगैरह लेने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।